बिगड़ते जा रहा है संबंध आपका और आपके पति का अब कुछ भी दूर दूर तक ठीक होने की गुंजाइश नहीं। 5 मिनट बैठना चाहती हो उसके साथ तो कहता यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ उठकर मेरे सामने से, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम बैठती हो तो। लो, जिसके साथ पूरा जीवन गुजारना है, 7 जन्म का पता नहीं, कोई भी मृत्यु के बाद का सच जीते जी नहीं जान सकता, तो 7 जन्म का तो पता नहीं कि 7 जन्म होते हैं और हर जन्म यही पति मिलता है, ये सारी बातें हैं, परंतु इस जीवन तो इसका मुंह देख कर आई हो और अब वो तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, हर बात पर लड़ता है, हर बात पर झगड़ता है। सास से कहती हो तो तुम्ही में 4 खामियां निकाल दी जाती हैं, जिसके परिवार के सदस्यों की एक एक इच्छा पूरी करती हो तुम, सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हो तुम उसके लिए, उसके परिवार का एक एक सदस्य तुम्हें दुत्कारता है। तुम नीच हो, छोटे घर से आई हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम देखने में खराब हो, तुम खाना खराब बनाती हो, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता, तुम्हें हंसना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम इससे बातें करती हो, उससे बातें करती हो, तुम यहाँ की सारी बातें अपने मायके बता देती हो, तुम बार बार मायके जाना चाहती हो, कोई मित्र तो नहीं वहां तुम्हारा, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं तुम्हारा, तुम बाजार बार बार जाती हो, कोई है क्या दोस्त तुम्हारा, इतने सारे इल्जामों की झड़ी लग जाती है तुम पर और तुम हैरान होकर सोचती हो कि आखिर ये सब क्यों, जब ये मेरा घर है, परिवार के सारे सदस्य मेरे हैं, उस घर से मैं विदा हो गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो यहाँ ये परायापन क्यों, और सारे परायापन बर्दाश्त हो जाते हैं जब पति अपना होता है, प्रेम करता है, विश्वास करता है, तो जब पति ही अपना नहीं, वो तुमसे प्रेम ही नहीं करता, वो तुम्हारा विश्वास ही नहीं करता, वो सबका सच मानता है, तुम्हारा सच नहीं मानता, कोई इतना सा भी उकसा दे उसको तो वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, अभद्र बातें बोलता है, तुम पर विश्वास नहीं करता, बागडोर खींच कर रखता है ताकि कहीं तुम गलती से उसकी मित्र ना बन जाओ, तो भला इस रिश्ते का अंत होना ही होना है, और ऐसे रिश्ते का अंत हो ही जाए तो बेहतर है, परंतु तुम महिला हो, तुम नारी हो, इस रिश्ते को जोड़ना चाहती हो, और सबसे बड़ी बात है कि तुम प्रेम करती हो अपने पति से, उसे नहीं तोड़ना चाहती, इस घर को नहीं छोड़ना चाहती, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहती, तब चलो तुम्हारे लिए एक प्रयोग। यदि तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं, सड़क पर झगड़ा करता है, झगड़ते झगड़ते घर आता है, घर वालों के सामने तुमसे लड़ता है, इसीलिए कोई सम्मान नहीं करता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा पति ही सम्मान नहीं देता तो कोई अन्य क्या देंगे, सारा माहौल बिगड़ पड़ा है, क्या करें अब, इस रिश्ते को इतनी खराब अवस्था से कैसे सुधारें, कौन सा ग्रह बिगड़ रहा है, मंगल को सुधारे कि शनि को उपाय करें, कहीं राहु ने तो नहीं ये सब चौपट किया है, क्या करें, किसको अपनी कुंडली दिखाएं और करें कौन सा उपाय, तो बात सिखाने जा रही हूँ, एक छोटा सा उपाय, एक फिटकरी के टुकड़े से तुम अपने पति और पत्नी के बिगड़ते संबंध को सुधार सकती हो, तुम सारा माहौल बदल सकती हो, तुम वो कर सकती हो जो कभी नहीं हुआ, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, यही पति छुप छुप कर देखेगा तुमको, अपनी ओर बुलाएगा, यही पति किसी की बात माने ना माने तुम्हारी बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। नहीं टूटेगा रिश्ता, घबराना मत, तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा, तुम्हारी शादी नहीं टूटेगी, जो मैं कहूँ वैसे करना, जितना कहूँ बस उतना करना, दो दिलों के बीच फिर प्रेम संबंध जोड़ेगा, फिर विश्वास जोड़ेगा, फिर दोनों दो से एक हो जाओगी, पता ही नहीं चलेगा। बाजार से एक बड़े साइज का फिटकरी खरीद कर लाना, शनिवार छोड़कर किसी भी दिन फिटकरी खरीद कर रख लेना, पहले खरीद कर रख लेना। तुम्हें अपने पति की एक तस्वीर चाहिए होगी और तस्वीर 3 वर्षों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तस्वीर में चश्मा लगाया हुआ, टोपी पहना हुआ या मुंह में कोई कपड़ा बांधा हुआ नहीं होना चाहिए, तस्वीर बिल्कुल साफ स्पष्ट, आंखें फ्रेश दिख रही हो। बात समझ में आ गई? अपने पति के 3 वर्ष के अंदर की कोई करंट तस्वीर,
और एक फिटकरी का टुकड़ा। तुम्हें चाहिए एक छोटा सा गंगा जल। देखो जो चीजें मैं कहूँ, माफ करना गुलाब जल, मैंने गंगा जल कह दिया, जो चीजें मैं कहूँ वही लाना। ग्रहों के अनुसार यहाँ लिया जा रहा है, यहाँ शुक्र है, यहाँ शनि है, तो वही चीजें लेना जो मैं कहूँ। मैंने गंगा जल कहा, नहीं गुलाब जल लेना है, माफ करना गलती से बोल गई। थोड़ा सा गुलाब जल, एक बड़ा सा फिटकरी और अपने पति की एक तस्वीर, बस। घर में रोटी बनाने का लोहे का तवा होगा ना, उसका इस्तेमाल करवाती हूँ। शनिवार के दिन प्रातः उठना, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना, स्नान आदि से निवृत्त होकर मन भर जी की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना। तुम जिनको पूजती हो उनको पूजना, मन को शांत रखना, ऊर्जा से भर कर रहना, दिन बिता देना सात्विकता से, सबको पकाना खाना खिलाना, प्रेम से बातें करना, समय बीतने देना। जब सारी कुकिंग हो जाए रात की, कहते हैं ना किचन समेटो, तो जो किचन समेटने वाली अवस्था होती है, सारी किचन समेट देना, धो लेना, पोछ लेना, सब कुछ साफ सुथरा कर देना। और अब लोहे का तवा को गैस पर चढ़ाना, उसे गर्म होने देना अच्छी तरह से। जब धधकने लगे, वो गर्म हो जाए, रोटी बनाने के लिए ना तवा गर्म हो जाता है, पति की तस्वीर को उसके ऊपर रख देना। अजीब लगेगा ना, कोई बात नहीं, तस्वीर रख रही हो तुम, घबराना नहीं, आज रिश्ते को सुधार रही हूँ। वहीं सामने रहना, गैस को बिल्कुल कम कर देना। अब जो फिटकरी का तुमने टुकड़ा लिया, उससे से छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा तोड़ लेना, बिल्कुल इतना छोटा सा तोड़ लेना, और शेष फिटकरी को तवे के ऊपर रख देना। और यह जो फिटकरी का इतना सा टुकड़ा तोड़ा है तुमने, उस पर थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर अपनी नाभि पर लगा लेना। फिटकरी पिघलने लगेगी, गैस बंद कर देना, और वहीं खड़े होकर एक एकाक्षरी मंत्र, जोम, ज ऊपर ओ एक बिंदी, जो 9 बार जोम शब्द का उच्चारण करना। फिटकरी धीरे धीरे पानी जैसी होने लगेगी, पिघलने लगेगी। सारी बातों को याद करना, तुम्हें तुम्हारा पति प्रेम कर रहा है, वो तुम्हारा विश्वास करता है, वो लौट कर आया है, तुम्हें ससुराल लेकर जा रहा है, वो तुम्हें खर्चे का बहुत सारा पैसा दे रहा है, वो तुमसे बात कर रहा है, वो तुम्हें तोहफा दे रहा है, तुम्हारे बच्चे को गोद में लिया, सारी पॉजिटिव बातें याद करना। गुलाब जल की शीशी खोलना और बंद तवे पर, गैस बंद हो, तवे पर फिटकरी हो, फोटो लगभग पूरी जल जाएगी, सारा गुलाब जल उसी पर डाल देना। यहाँ शनि और शुक्र को बैलेंस करने के लिए शनि की मदद ली गई है। सारे गुलाब जल को उसमें डाल देना, उसी समय तवे को लेकर जाना बाहर, घर के बाहर कोई भी मिट्टी वाला स्थान हो, गंदगी वाला स्थान हो, कचरा फेंका हुआ हो, डस्ट हो काफी, वहीं सारी चीजें उधेड़ देना तवे से, टोटल चीज को गिरा देना, फिटकरी हो, गंगा जल हो, सब गिरा देना। केवल एक बार किया गया यह चमत्कारिक प्रयोग तुम्हें अद्भुत रूप से परिणाम देगा। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।